नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। स्किनी स्किन्स या कहें लटकती हुई चर्बी या हम लोग कहें मोटापा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी देता है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन भूख इतनी बढ़ जाती है कि कंट्रोल ही नहीं होती है और ये मोटापा, ये लटकती चर्बी लटकने लगती है। कोई शक नहीं है कि कौन मोटापा चाहता है, लेकिन वर्कआउट सभी करते हैं। वो चाहते हैं कि इस मोटापे को कम किया जाए, इस मोटापे जैसी प्रॉब्लम को दूर किया जाए, तो वर्कआउट सभी करते हैं, लेकिन ये मोटापा कम होने का नाम ही नहीं लेता है। तो अगर आप लोगों की भी ये चर्बी लटक चुकी है और वो भारी हो चुकी है और इतनी भारी हो चुकी है कि आप लोगों से अब वो कम नहीं हो रही है, तो वर्कआउट एक ऐसा सॉल्यूशन है आप लोगों के पास जो इस को आप लोगों को नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, उसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटापा कम जरूर होगा। नी टक फॉर 50 सेकेंड्स। आप लोग 50 सेकेंड्स के लिए आप लोग नी टक करें और घर पे ही आप लोग जो हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग एक टॉवल लें और आप लोग जो है प्लांक पोजिशन अपनाएं। उसके बाद में आप लोग जो दोनों पंजे हैं आप लोगों के, वो टॉवल पर रखें और उस टॉवल को आप लोग अंदर की ओर स्क्वीज, अंदर की ओर खींचे, अपने चेस्ट की ओर जो है अंदर की ओर खींचे। जो नी टक क्रंचेस होता है वैसे ही आप लोगों को नी टक करना है और ये प्लांक पोजीशन के अंदर आप लोगों को करना है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इससे आप लोगों को जब टॉल जो है वो सरफेस पर आसानी से आगे की ओर आएगा और पीछे की ओर आ सकता है, तो इससे आप लोगों को मूवमेंट लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज जो है आप लोगों को 50 सेकंड्स के लिए करनी है। इससे आप लोग अपनी लोअर बैली को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं और ये कार्डियो वर्कआउट भी आप लोग शामिल कर सकते हैं, जो आप लोगों के दिल को भी मजबूत रखने में आप लोगों की हेल्प करेगा। प्लांक जैक फॉर 40 सेकंड्स। इसके बाद में आप लोगों को करना है प्लांक जैक। प्लांक जैक का मतलब है प्लांक पोजिशन में रहना और उसके बाद में जैक का मतलब है जैसे कि जंपिंग जैक्स होता है, जस्ट आप लोगों को पैरों का मूवमेंट जो है वो फैलाना है। ठीक है, पास लेकर आना है और फैलाना है। ये 40 सेकंड्स तक आप लोगों को करना है। ठीक है, इसमें प्लांक पोजिशन पर ही आप लोगों का रहेगा, लेकिन इसकी जो टारगेट मसल्स रहेंगी अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के जो थाइस मसल्स हैं वो भी आप लोगों का है, लोअर बैली जो है वो भी आप लोगों की इसमें शामिल रहेगी। तो आप लोग ये भी जो है 40 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज 50 सेकंड्स के लिए है, दूसरी 40 सेकंड्स के लिए। फिर से आप लोगों की 50 सेकंड्स के लिए जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी प्लांक किक आउट फॉर 50 सेकंड्स। प्लांक किक आउट में आप लोगों को क्या करना है, वही टॉल का इस्तेमाल लेना है और आप लोगों ने जस्ट जो है अभी नी टक किया था, अब इसको आप लोगों को तीन डायरेक्शन के अंदर जो है टॉल को मूव करना है। पहला डायरेक्शन जब आप लोग राइट साइड की ओर जाएं, दूसरा आप लोगों को सेंटर में लेकर आना है टॉल को, अब फिर से लेफ्ट साइड की ओर जा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को 50 सेकंड्स के लिए करना है। प्लांक पोजीशन रहेगी, आप लोगों के हाथ जो है वो मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर ये हार्ड एक्सरसाइज आप लोगों को लगती हो तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज नहीं करें, जो बिगनर्स हैं वो नहीं करें, जो इंटरमीडिएट है वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कहीं इंजरी हो तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है हर एक एक्सरसाइज को करने के लिए। इससे आप लोगों के बॉडी को टोंड जो है वो जल्दी बनाया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है और आप लोगों को एक बॉडी शेप को अच्छा लुक दिया जा सकता है। प्लांक शोल्डर टैप फॉर 40 सेकंड्स। अब आप लोगों को करना है प्लांक शोल्डर टैप। प्लांक पोजिशन में आप लोगों को रहना है और आप लोगों को शोल्डर टैप करना है। शोल्डर टैप, इससे जो टारगेट जो मसल्स रहेंगी इसकी वो रहेगी रेक्टस एब्डोमिन, आप लोगों के बाइसेप्स रहेगी, शोल्डर रहेंगे और आप लोगों की जो हेमस्ट्रिंग मसल्स रहेंगी वो रहेगी। आप लोगों को एक गुड बॉडी शेप मिल सकती है, आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो इसमें इंगेज रहेंगी और आप लोगों को एक बैली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों को इसमें मदद मिल सकती है। तो जो रेक्टस एब्डोमिन पर जो बाहरी फैट होता है जिसे हम लोग विसरल फैट बोलते हैं, वो विसरल फैट जो है वो बहुत जल्दी कम हो सकता है प्लांक पोजीशन से, क्योंकि इससे आप लोगों की कोर इंगेज रहने स्टार्ट हो जाती है और जब इंगेज रहना स्टार्ट हो जाती है तो वो काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग सर्कल फॉर 50 सेकंड्स। अब फिर से 50 सेकंड्स के लिए आप लोगों को प्लांक पोजिशन में रहना है, एक पैर के नीचे आप लोगों को टॉल रखना है और उस टॉल को आप लोगों को पैर की हेल्प से उस टॉल से आप लोगों को एक सर्कल बनाना है पूरा का पूरा। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करना है, 50 सेकंड्स के लिए। जब आप लोगों को एक सर्कल जो है 50 सेकंड्स पूरा हो जाए तब आप लोगों को दूसरे पैर से भी यही सेम सर्कल आप लोगों को बनाना है। तो मैं इस वीडियो में वो शो नहीं करूँगा लेकिन आप लोगों को वो करना है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो अच्छे रहेंगे।
आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो अच्छी रहेंगी, आप लोगों को हिप ओपनर जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हिप्स में रिलेटेड पेन्स होता है वो नहीं होगा, आप लोगों की सही तरीके से जांघें जो है वो सही तरीके से काम करेगी, सेलुलाइट जो फैट है जांघों का वो कम होगा और आप लोगों की जो जांघें हैं वो टोंड बनेंगी। अब बात करते हैं सिंगल लेग माउंटेन क्लाइंबर की। इसमें आप लोगों को देखिए कि माउंटेन क्लाइंबर कैसे करना होता है। माउंटेन क्लाइंबर करने के लिए आप लोगों को दोनों पैर जो है वो सरफेस पर होते हैं, लेकिन सिंगल लेग माउंटेन क्लाइंबर में आप लोगों को एक पैर जो है वो हम हवा में रखना है, दूसरा आप लोगों को मूव करना है, और दूसरा जब आप लोग मूव करेंगे तो आप लोगों को देखिएगा कि जो टॉवल है वो आप लोगों का हेल्प करेगा आगे मूव करने में। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को पार्टीशंस में करना है, कहने का मतलब है 10 सेकंड आप लोग करें, उसके बाद आराम कर लें, फिर 10 सेकंड आप लोग करें, फिर आराम कर लें। ऐसा आप लोग सभी एक्सरसाइजेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन 50 सेकंड्स तक आप लोगों को एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, या आप लोग कहें 5 रैप्स जो है वो इस एक्सरसाइज के आप लोग लगा सकते हैं। इससे आप लोगों की जो लोअर बैली है उसे टोंड होने में आप लोगों को मदद मिलेगी और आप लोगों के जो एब्स हैं वो अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक वॉक फॉर 40 सेकंड्स। प्लैंक वॉक में भी आप लोग जो हैं अपने आर्म्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी जो कोर मसल्स हैं वहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, बैली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं और आप बहुत सारी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हेल्दी बनाएं। तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनकी जो कोर मसल्स हैं उन पर आप लोगों को टारगेट करना है, उनको आप लोगों को फोकस करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें अगर आप लोगों को स्पेसिफिक पार्ट की जो है एक्सरसाइज चाहिए है तो, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।